जय किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्राइकोडर्मा की। आपकी सुविधा के लिए हमने इस वीडियो को 4 से 5 भागों में डिवाइड किया है। पहले भाग में हम समझते हैं ट्राइकोडर्मा क्या है। व्हाट इज ट्राइकोडर्मा? मिट्टी में फफूंदी यानी कि फंगस की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें कुछ प्रजातियां हानिकारक होती हैं जो पौधों में अलग अलग तरीके के रोग उत्पन्न करती हैं, और कुछ प्रजातियां लाभदायक यानी कि फ़ायदेमंद होती हैं जो पौधों में रोगों को आने से रोकती हैं। इस आधार पर हम फफूंदी यानी कि फंगस को 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 शत्रु फफूंदी, नंबर 2 मित्र फफूंदी। शत्रु फफूंदी में फ्यूजेरियम, पीथियम, राइजोक्टिनिया स्क्लेरोटिया तथा फाइटोप्थोरा और अर्मीलोरिया नामक शत्रु फफूंदी आती हैं, जो फसलों में तरह तरह के रोग उत्पन्न करती हैं। मित्र फफूंदी में ट्राइकोडर्मा आता है, जो भूमि में शत्रु फफूंदी को बढ़ने से रोकता है। अब आप समझ गए होंगे कि ट्राइकोडर्मा क्या है। ट्राइकोडर्मा एक मित्र फफूंदी यानी कि फंगस है, जो मिट्टी में शत्रु फफूंदी, जिससे पौधे में रोग उत्पन्न होते हैं, को बढ़ने से रोकता है। अब जानते हैं कि ट्राइकोडर्मा भूमि में क्यों डालें। Why we should use ट्राइकोडर्मा in the soil? कोई भी रोग या समस्या तब उत्पन्न होती है जब किसी भी चीज़ की कमी हो या उसकी अधिकता हो जाए। जब तक कोई भी चीज़ बैलेंस में रहती है तो कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं करती है। इसी बैलेंस को बनाए रखने के लिए भूमि में शत्रु फंगस के साथ साथ मित्र फंगस ट्राइकोडर्मा भी पाया जाता है। लेकिन किसानों ने इस बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया, वो कैसे, यह भी जान लीजिए। ट्राइकोडर्मा को भूमि में जीवित रहने व अपनी वृद्धि करने के लिए भूमि में पर्याप्त नमी व कार्बनिक अवशेषों जैसे गोबर की खाद, फसलों के सड़े गले अवशेष आदि की आवश्यकता होती है। लेकिन भूमि में हमने कार्बनिक अवशेषों को डालना बंद कर दिया और उसकी जगह रासायनिक खादों तथा कीटनाशकों का प्रयोग अंधाधुंध कर दिया, जिसके कारण भूमि में कार्बनिक अवशेषों व नमी की लगातार कमी होने लगी, जिसकी वजह से ट्राइकोडर्मा फंगस को उचित वातावरण न मिलने के कारण उसकी ग्रोथ रुक जाती है, और उसके विपरीत शत्रु फंगस तेज़ी से वृद्धि करता है। इस शत्रु फंगस को कंट्रोल करने के लिए हमें मृदा में ट्राइकोडर्मा अलग से डालने की ज़रूरत पड़ती है। अब आप समझ गए होंगे कि ट्राइकोडर्मा को भूमि में डालने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। अब आगे जानते हैं कि ट्राइकोडर्मा का उपयोग कैसे करते हैं। हाउ टू यूज ट्राइकोडर्मा। आप चाहे जैविक खेती करें या रासायनिक खेती करते हैं, दोनों ही सूरत में ट्राइकोडर्मा का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ट्राइकोडर्मा का कोई भी हानिकारक प्रभाव भूमि तथा मानव स्वास्थ्य पर नहीं पड़ता है। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करने के लिए 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर को 10 लीटर पानी में घोलकर 50 किलोग्राम गोबर की खाद में अच्छे से मिला लें और एक छायादार स्थान पर छोड़ दें। फिर इसको ऊपर से पानी में भीगी हुई टाट की बोरियों से ढक दें। समय समय पर बोरियों पर पानी का छिड़काव करते रहें ताकि पर्याप्त नमी बनी रहे। 5 से 6 दिन बाद खाद को एक बार फिर फावले की सहायता से ऊपर नीचे करके ढक दें और फिर 5 से 6 दिन के लिए छोड़ दें और समय समय पर पानी का छिड़काव करते रहें। इस तरह से 10 से 12 दिन बाद आपको गोबर की खाद पर हरे कलर की फफूंदी दिखाई देने लगेगी। अब यह खाद खेत में डालने के लिए तैयार है। अब आप इसको किसी भी फसल की बुवाई से पहले 1 एकड़ खेत में अच्छे से बिखेर कर मिट्टी में मिला दें, उसके बाद फसल की बुवाई कर दें। ऐसा करने से ट्राइकोडर्मा मिट्टी में लंबे समय तक जीवित रहेगा और वृद्धि करता रहेगा तथा भूमि में हानिकारक फंगस को नहीं बढ़ने देगा, जिसके से बीज का अंकुरण अच्छा होने के साथ साथ आपकी फसल रोगमुक्त रहेगी। ध्यान रहे कि इसका प्रयोग शाम के समय करें और प्रयोग करते समय और बाद में मृदा में पर्याप्त नमी रहनी चाहिए, क्योंकि नमी में ट्राइकोडर्मा तेज़ी से वृद्धि करता है। इसका उपयोग बीज उपचार यानी कि सीड ट्रीटमेंट में भी कर सकते हैं। बीज उपचार के लिए 7 से 8 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर को 1 किलोग्राम बीज पर छिड़क कर अच्छे से मिला लें और उसके बाद बुवाई करें। ऐसा करने से बीजों का अंकुरण अच्छे से होता है तथा बीज उगने पर ट्राइकोडर्मा पौधों की जड़ों के पास फैलकर हानिकारक फंगस से बचाता है।
ट्राइकोडर्मा का छिड़काव या स्प्रे भी किया जा सकता है कुछ खास रोगों जैसे झुलसा आदि रोगों की रोकथाम के लिए 70 से 75 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर को 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। स्प्रे शाम के समय करें जब तेज़ धूप ना हो। ट्राइकोडर्मा का फसलों को रोगों से बचाने के साथ साथ कुछ और भी लाभ होते हैं, वह क्या हैं वह भी जान लेते हैं। ट्राइकोडर्मा पौधों में फंगस से आने वाले रोगों से रोकथाम तो करता ही है, उसके साथ साथ ट्राइकोडर्मा मिट्टी में पड़े पोषक तत्वों को पौधे के लिए उपलब्ध कराता है। ट्राइकोडर्मा का भूमि में प्रयोग करने पर भूमि की उर्वरा शक्ति के साथ साथ जल धारण क्षमता बढ़ती है। ट्राइकोडर्मा का भूमि में प्रयोग से फसल अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता में सुधार होता है। जहां रासायनिक फंजीसाइड का असर केवल 10 से 15 दिनों तक रहता है, वहीं ट्राइकोडर्मा को यदि अनुकूल वातावरण मिले तो 6 से 7 महीने या उससे अधिक तक वह हमारी भूमि में काम करता रहता है। अब जानते हैं कि इसके क्या क्या हमें इसको यूज करने पर हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। नंबर एक, इसको कभी भी आपको तेज़ धूप में इसका यूज नहीं करना है। जब भी आप इसका प्रयोग करें सुबह या शाम के समय करें। जब भी ट्राइकोडर्मा का आप यूज करें तो मृदा में पर्याप्त नमी रहनी चाहिए और यूज के बाद भी मृदा में पर्याप्त नमी रहनी चाहिए, क्योंकि ये नमी में तेज़ी से वृद्धि करता है। ट्राइकोडर्मा का यूज करने के बाद या उसके साथ किसी भी रासायनिक कीटनाशक रासायनिक खादों का प्रयोग ना करें। तो किसान भाइयों, ये था वीडियो ट्राइकोडर्मा पर। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए। यदि आपके कोई भी सवाल और सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलूँगा आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।